नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ये हमारा सफलता का 4 वर्ष है। आज चौथा साल हम आप लोग की सेवा में फिर से पुनः हाजिर हुए हैं। क्या एडमिशन 2022 आपकी सफलता तक? आज से लगातार हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपका एडमिशन क्लियर ना हो जाए। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत से लोगों को एडमिशन करवाया, बहुत से लोगों को, और इस बार उससे पिछले साल भी बहुत ज्यादा लोगों को करवाया। सारा वीडियो आपका पड़ा हुआ है। तो नमस्कार, मैं कृष्णकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं पटना यूनिवर्सिटी एक नए आगाज के साथ, नए शुरुआत के साथ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एडमिशन कैसे होगा, किस चीज पे आपको एडमिशन लेना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए हम आपको यहाँ से करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट मी, मेरे बारे में आपको जानना चाहिए। हम क्या है, ये कृष्णाकांत हम है। हम अपने बारे में बताते हैं। कृष्णाकांत सिंह मेरा नाम हुआ। बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स किया हूँ। 4 साल से पीयू इंट्रेंस, बीएचयू, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंट्रेंस की मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ 4 सालों से। पिछले बार पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं हुआ था, फिर भी बीएचयू का हुआ था। उसमें भी हमारे बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट सफलता पाई, और मैं टॉपर्स टॉक भी लेकर आऊंगा। जो टॉपर्स हुए हैं पिछली बार, जिनका एडमिशन हुआ है, वो कैसे क्या किए वो बताऊंगा। पिछली बार तो दोस्तों एंट्रेंस नहीं हुआ था, इसलिए मैं उन लोगों को दूसरे तरीके से हेल्प किया। इस बार आपका एंट्रेंस होने जा रहा है, तो इस बार मैं आपको तैयार करूंगा। आपके तैयार करने के लिए हम एक कोर्स लेकर आते हैं। इस साल भी एक कोर्स लेकर आए हैं। हमारी कोर्सेस क्या है, तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि डेली 3 लाइव क्लास हम आपको देंगे, डेली 3 लाइव क्लासेस। उसके साथ डेली PDF हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है। टॉपर्स टॉक तो पहले ही बता दिया कि हम आपको टॉपर्स से बात करवाएंगे। इसके साथ 5,000+ क्वेश्चंस हम आपको 1 से 2 महीने में करवाएंगे। 2 महीने में 5,000+ क्वेश्चंस करवाएंगे। मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको करवाते जाएंगे। 24x7 कॉल पर हम आपके साथ रहेंगे। प्रोफेसर सजेशन हम आपको देंगे, जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं, उनको हम चैनल पे लाते हैं। सजेशन वो देंगे आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ क्या होगा, 200% सिलेक्शन हम देंगे। 200% सिलेक्शन यहाँ से आप करते हो। पिछली बार, पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है। वीकली टेस्ट हम लोग लेते हैं टेलीग्राम पर। क्या है तो पेड, ये कैसा होगा, तो ये हमारा पेड कोर्स होता है। ये पेड कोर्स होता है। पेड कोर्स कैसा होगा हम आपको बताते हैं। पेड कोर्स फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। पिछली बार ये मैं 250 का लेकर आया था, जिसमें जितने भी कचरे स्टूडेंट थे, जिनको पढ़ना नहीं होता था, वो भी आ गए। इनसे बचने के लिए मैं इस बार मात्र 350 में आपको क्या करना है, मैं 2 महीने आपके साथ रहूंगा। 2 महीने आपके साथ प्लस काउंसलिंग हेल्प करूंगा। तो मैं 350 में फर्स्ट स्टूडेंट के लिए है, जिसमें गूगल पे हमारा नंबर, फोन पे हमारा नंबर है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा कृष्णाकांत नाम हुआ, IFSC कोड हुआ। ये सब करने से पहले आप हमें व्हाट्सएप कर दें, 9110926941 पे स्क्रीनशॉट भेजें। उससे पहले वो पेमेंट करने से पहले बात भी कर सकते हैं, या पेमेंट करने के बाद भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर। पटना यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसेस होता है, एडमिशन कैसे लिया जाता है, क्यों पटना यूनिवर्सिटी, क्या है। पटना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। फिर आपको क्या देना होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा ऑनलाइन अप्लाई। पटना यूनिवर्सिटी में पहले क्लासेस क्या चीज की चलती है, तो सबसे पहले इसकी, इनमें जो क्लासेस होती है, यूजी मतलब कि आपको ग्रेजुएशन, और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। यूजी कहते हैं जो 12 पास आउट लड़के होते हैं वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। जो ग्रेजुएशन पास आउट लड़के होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं। तो यूजी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 12 आप पास आउट कर गए हो या पास आउट करोगे, तो आपको ऑनलाइन जब फॉर्म आएगा, तो ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम तो आपको पल पल की न्यूज देते रहेंगे, बट ऑनलाइन आपको करना होगा। फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा।
फिर एक कट ऑफ लिस्ट आती है, फिर आपकी क्या होती है कट ऑफ लिस्ट में एंट्रेंस एग्जाम में, यदि आप कोई 60 नंबर लाया तो कोई 80 नंबर लाया, उसी हिसाब से कट ऑफ आता है। इसमें कितने कट ऑफ आते हैं मेरे दोस्त? तो इसमें आपको 3 कट ऑफ आते हैं, इसमें आपके 3 कट ऑफ आते हैं, 3 से 4 कट ऑफ आपके आते हैं। यदि कट ऑफ में आपका नाम आता है, जैसे आपको सरकारी नौकरी में आता है उसी प्रकार इसमें नाम आता है, तो फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होगी तब आपका जाकर एडमिशन होगा। तो ये 4 प्रोसेस से गुजरता है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस क्या है, कौन कर सकता है? तो ऑनलाइन में आपको 10 पास 10+2 विथ मिनिमम 45% आपको होना चाहिए। मिनिमम 45% यदि आपके पास है तो आपका एडमिशन होने के लिए आप इलिजिबल हैं। डेट क्या होगा? मई 2022 में आपका फॉर्म आ जाएगा। जब फॉर्म का फी कितना होता है मेरे दोस्त? तो 1100 रुपये होता है। तो जो लड़का 1100 भेजता है, तो वो जो तैयारी यदि आपको एडमिशन लेना है तो 350 रुपया में हमारा कोर्स जरूर लें, हम आपको पूरा तैयार कर देंगे। ये इतना ही नहीं, इसी फी में मात्र 100 स्टूडेंट के लिए BHU प्लस AU दोनों की तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो इसके साथ हॉस्टल फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी हम आपको एक ब्रीफ बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पे क्लासेस क्या चीज की चलती है? तो आपकी BA, BSc, BCom, BMC, BCA, BBA, BSW, ETC, बहुत सारे कोर्स बट हम लोग ज्यादा फोकस BA, BSc, BCom पे करते हैं, BMC पे करते हैं, BCA पे करते हैं, BBA पे करते हैं, BSW, ये सभी कोर्स की यहाँ पे क्लासेस चलती है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि आपका इंट्रेंस एग्जाम, इंट्रेंस टेस्ट पैटर्न क्या होगा, इंट्रेंस टेस्ट पैटर्न आपका कैसा होगा, तो इस पे आ जाइए। इंट्रेंस टेस्ट जो आपका होता है, एग्जाम मोड क्या होता है? ऑफलाइन होता है, पटना में आपको एग्जाम आके देना पड़ेगा, पटना में आप एग्जाम आके देंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा? 2 आवर्स होगा, एग्जाम आपकी 2 घंटे के रहेंगे। टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो टोटल क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। ये आपका एग्जाम क्या होगा? ये आपका जून से लेकर जुलाई में होगा, जून या जुलाई में आपका एग्जाम होगा। ये जून या जुलाई में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा वो जून या जुलाई में होगा। तो ये आपका पैटर्न हुआ, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो लड़के, अब यहाँ पर आप लोग को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर मैं IAS किया हूँ, मतलब साइंस से किया हूँ, और मैं BA में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे? तो आपके BA के क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आपसे पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा, आपसे GK GS पूछा जाएगा। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको दूर कर लीजिए आप। जो आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका सवाल जो पूछा जाएगा वो आपके पूछे जाएंगे, BA से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या क्या आपके सिलेबस है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप लोग आ जाइए कि आपका हम सिलेबस के बारे में बता देते हैं जरा सा इसको कवर करके। हाँ, सबसे पहले आपके हिस्ट्री से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी से 15 आसपास, 10-15 के बीच में रहता है, ज्योग्राफी से भी 15 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 15 मार्क्स, स्टेटिक्स GK 20 मार्क्स, मैथ 10 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 10 मार्क्स के सवाल आपके BA के एग्जाम के लिए। कोई IAS करें, ICOM करें, यदि वो BA लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको इतने पढ़ना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, यदि आप मेरा कोर्स नहीं लेते हैं तो आपको कौन से बुक्स, लूसेंट बुक्स कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे। हम लोग BSc बैचलर इन साइंस के बारे में बात करते हैं, अब BSc सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि BSc का क्या सिलेबस है। तो आ जाते हैं, ये घूम रहे हैं, रुक जाइए आप, ठीक है, रुक गए। फिजिक्स, फिजिक्स जो हमारा होगा वो 30 मार्क्स का फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री 30 मार्क्स का आएगा, मैथ बायो 30 मार्क्स का। मैथ बायो कहने का मतलब या तो मैथ वाले मैथ बनाएंगे 30 मार्क्स का, बायो तो बायो वाले बायो बनाएंगे 30 मार्क्स का, GK 10 मार्क्स का। इसका लेवल क्या होता है? लेवल जो आपका होता है वो हमारा लेवल होता है 10+2 लेवल, 10+2 लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 11-12 से। BSc सिलेबस समझ गए, हम लोग BCom सिलेबस की बात करते हैं। अब BCom सिलेबस बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। इधर इनको कोई मत देखो, इनको नहीं देखना है, इनको नहीं देखना है, इनको रंग दीजिए, इनको मत दिखिए, यहाँ सिलेबस पे ध्यान दीजिए। BCom सिलेबस में आपको क्या क्या पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर आ गया, आपके जो होते हैं अकाउंट 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, बिजनेस से 20 मार्क्स के, 40 मार्क्स जो आपका होगा वो GK GS होगा।
जीके एवं जीएस जो आपके होंगे वो 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये सब मिलाकर हमारा हुआ पैटर्न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का, इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियो आएगी। इसीलिए हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।